जी 5 महीने रेहड़ी नहीं लगी, वो क्यों नहीं लगी? सर लॉकडाउन के कारण था कि टाइम बढ़े तो हम काम करें, टाइम ही उस हिसाब से था कि हमारे टाइम में तो बंद हो जाता था सब कुछ, इसलिए नहीं लगा पा रहे थे हम। गल सुनी सी, पता नहीं होटल मैनेजमेंट का भी तुहाडे कोल सर्टिफिकेट हैगा कुछ, इहो जी गल सुनी सर। उन्होंने हफ्ता ट्रेनिंग दी, हफ्ते बाद ग्रुप बनाया, हफ्ते बाद फिर 15 दिन की ट्रेनिंग थी, 15 दिन के बाद मुझे भटिंडे ले गए। भटिंडे में हमारा 5 लोगों का ग्रुप था, वहाँ पर कुक वगैरह ने हमारा जो चीज़ हम बेच रहे हैं वही चीज़ खा के देखा उन्होंने, तो उन्होंने जो हमें होटल मैनेजमेंट 2 ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया, वो भी है हमारे पास, मगर अभी बाकायदा लगाया नहीं हुआ, यहाँ पर घर पर रखा हुआ। एक ट्रोल्स भी होंगे ने, कहते हैं भी गोलगप्पे दे रेहड़ियाँ तो कुड़ियाँ ज़्यादा होंगे, तुहाडे नाल कितना एक्सपीरियंस रहा? सर मेरे पास तो ज़्यादातर कस्टमर जेंट्स ही हैं और लेडीज़ भी हैं, लेडीज़ मतलब थोड़ा कम है, लोकेशन के हिसाब से जैसी लोकेशन वैसे गाहक है सर। तो इदा 5 पानी अलग अलग होंगे, तुहाडा एको पानी है, तो ये की पाया की हो? पुदीना है, हरी मिर्च है, कच्चा अदरक है और इमली का है और काला नमक है। कुछ लोग पाउडर डाल देते हैं, बाजारू पाउडर बहुत से आते हैं वो डाल देते हैं, इसके कारण टेस्ट जो है कम आता है, और इसमें चीनी ऐड होती है, खट्टा और मीठा दोनों ऐड करके मिक्स कर दिया जाता है, इसलिए डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। जो 5 महीने नहीं रेहड़ी लाई तो जो कस्टमर आए द्वारा उन्होंने की रिएक्शन से, उन्होंने कितना गलबात की थी, उन्होंने की पूछा? वो तो कह रहे थे हम काफ़ी दिनों से तरस गए थे गोलगप्पे ये खाने के लिए। अगर टाइम लगता नहीं है, आज हाफ डे किया कि तो मैं घर जा रही, मैं चलो गोलगप्पे खा जाना, अगर टाइम मिलता नहीं शाम में, कहना इन्हें को गोलगप्पे खत्म हो जाते जो असं आने 9:30-9 बजे तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। फूड टाइम्स देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, तो मैं हाँ कुंवरजोत सिंह, अज कोचर मार्केट चौंक च लुधियाने का काफ़ी फेमस चौंक है, तो जो भी इतों निकले हो गए तो एक गोलगप्पे की रेहड़ी जरूर देखी होगी, शायद मैं लगता है लुधियाने के काफ़ी वसनीकों ने इतने गोलगप्पे खाधे भी होंगे। अज असी उस रेहड़ी पर आए हाँ, असी भी तुम दस दी भी असी भी काफ़ी कुछ पहला टेस्ट किया, बहुत स्वाद लगे, हम इन्होंने ही गलबात करते हैं। सब तो वड्डी गल है जो लॉकडाउन इतों निकलते तो 5 महीने आ जी रेहड़ी लोगों ने नहीं देखी, हुण इन्हां नाल ही गलबात करते हैं भी 5 महीने रेहड़ी जिहड़ी क्यों नहीं लगी। पहलां तां लोगों को यह दसो भी जिहड़ी 5 महीने रेहड़ी नहीं लगी वो क्यों नहीं लगी? सर लॉकडाउन के कारण था कि टाइम बढ़े तो हम काम करें, टाइम ही उस हिसाब से था कि हमारे टाइम में तो बंद हो जाता था सब कुछ, इसलिए नहीं लगा पा रहे थे हम लोग, तो इसलिए अब टाइम खुल गया तो अब वहीं 15 दिन हो गए लगाते हुए, अब काम भी ठीक है और कस्टमर का थोड़ा डर भी कम हो गया है। पानी नालों नाल खवाई जाओ, नालों नाल काम करी जाओ, असं काम करते करते ही गल करांगे तुहाडे नाल, क्योंकि दर्शक नालों नाल देख भी लैणगे भी कितना सब कुछ बन रहा, सो तुसीं नालों नाल देखी भी जाओ। एक गल दसो, आप पानी च पाते की हो, एक अलग जिहा टेस्ट है, क्योंकि आम गोलगप्पियां दी रेहड़ियां ते जांदे आ खट्टा पानी अलग मिठा पानी अलग, तो इदा 5 पानी अलग अलग होंदे, तुहाडा एको पानी है, तो इहदे च की पाया की होया? इसमें सर पुदीना है, हरी मिर्च है, कच्चा अदरक है और इमली का है और काला नमक है। कुछ लोग पाउडर डाल देते हैं, बाजारू पाउडर बहुत से आते हैं वो डाल देते हैं, इसके कारण टेस्ट जो है कम आता है, और इसमें चीनी ऐड होती है, खट्टा और मीठा दोनों ऐड करके मिक्स कर दिया जाता है, इसलिए डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। इन्ने को डोंगे जो तुसी पानी बस रखते हो सर? इसलिए इसमें थोड़ा इसलिए रखते हैं ना कि हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर फ्रेश पानी बनता रहे। हाँ फ्रेश बनता रहे पानी, हर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद, जब तक थोड़ा पानी इसलिए रहता है कि फ्रेश बनता रहे थोड़ी देर बाद। होर भी तुहाडे को की समान होता है जिहड़ा? हमारे पास पानी वाले हैं, भेलपूड़ी वाले गोलगप्पे चुरमुर है, दही वाले हैं, और दही की फ्रेशनेस, दही बढ़िया होती है, अच्छी क्वालिटी का होता है, दही में जो है शहद यूज़ करते हैं, और उसके बाद खासकर कस्टमर का ज़्यादातर ध्यान रखते हैं कि उसको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए, कि खाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
चटनी मैं देख रहा हूं, ये कादी चटनी है तो किवें बनाई है? ये सर पुदीने की चटनी है, जो इसमें पानी में डाला जाता है वही थोड़ा बचाया गया है कि कोई करारा मांग ले तो वही चटनी हम लोग मिक्स करके थोड़ा तीखेपन से में गोलगप्पे खिला देते हैं। जेड़े आ मसाले वगैरह इतने पे हुए हैं कड़े ने, तो कि बाजारों ले ने आप पिसवाए ने कि सारे मसाले तो खुद पिसवाए हैं, चाट मसाला भी खुद पिसवाया है, और ये धनिया पाउडर है इसमें थोड़ा भुना हुआ, जीरा पाउडर ऐड है ये सब, और नमक जो है वो टाटा नमक है, लाल मिर्च जो है वो खुद की पिसाई हुई है। दो पीस किया जाता है, बड़े एक ट्रोल्स भी होंगे ने कहते हैं भी गोलगप्पे दे रेड़ियाँ दे कुड़ियाँ ज़्यादा होंगे, तुहाडे नाल किदां दा एक्सपीरियंस रहा? सर मेरे पास तो ज़्यादातर कस्टमर जेंट्स ही हैं और लेडीज़ भी हैं, लेडीज़ मतलब थोड़ा कम है लोकेशन के हिसाब से, जैसी लोकेशन वैसे ग्राहक है सर, लोकेशन थोड़ा आउट टाइप की है इसलिए ज़्यादातर जेंट्स कस्टमर है। ते जो 5 महीने नई रेड़ी लाई तो जेडे कस्टमर आए द्वारा उन्होंने की रिएक्शन से, उन्होंने किदा गलबात की, उन्होंने की पूछा? वो तो कह रहे थे हम काफ़ी दिनों से तरस गए थे गोलगप्पे ये खाने के लिए, वो कह रहे थे काफ़ी दिनों से हम तरस गए थे गोलगप्पे, आपने लगानी शुरू कर दी हमें बहुत अच्छा लगा, लगाओ। कुछ कस्टमर्स नाल भी जे कस्टमर गल करना चाहते तो गलबात करने की कोशिश करा, तो कि लगे जी स्वाद? बहुत वधिया टेस्ट थी, अच्छा टेस्ट है, तो लॉकडाउन से भी इन्हें को असी खाते रहे थे स्पैशल इन्होंने घर जाके हाँ जी, सो इन्हें जो पानी का टेस्ट है बच्चों या साडे वाइफ नू या साडी बेटी नू होर आस पड़ोस काफ़ी इन्हें टेस्ट इन्हों का बहुत अच्छा लग्या, सो इन्हें फोन कर करके असी इन्हों के घर गोलगप्पे मंगवाते रहे या असी खुद जाते इन्हों के घर, सो जो जाते थे बच्चे होंगे दे देते नहीं तो अदरवाइज इन्हें को कस्टमर घर ही नहीं होंगे कि खत्म हो जाते थे, इन्हां दे पानी का टेस्ट ही बहुत अच्छा है, बहुत ही वधिया टेस्ट है, कि हूँ मैं स्पैशल घर जा रहा सीगा हाफ डे सीगा, तो मैं चल गोलगप्पे खा जाना, अगर टाइम लगता नहीं है आज हाफ डे किया सीगा तो मैं घर जा रही, मैं चल गोलगप्पे खा जाना, अगर टाइम मिलता नहीं शाम में कहना इन्ना को गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं, जो असं आने 9:30 बजे तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, कोई बच्चा कुछ जो कि रहता फिर वो स्वाद नहीं आता, इस करके पानी बहुत ही वधिया पानी इन्हां दा, बहुत ही टेस्ट है पानी। हाँ जी ये गल मैं भी देखी है कई बार 9:30 बजे गोलगप्पे खत्म, की गल कि वो पिछले कारण की है, समान घट लियांदे हो या गाहक ही इन्ना होया? गाहक सर ज़्यादा होता है, समान उसी हिसाब से बनाते हैं कि खत्म हो जाए बचे ही ना, हाँ जी अगले दिन यूज ना हो, कोशिश हमारी ये होती है कि कोई सामान बचे ना, उतने ही लेके आए लग जाए खत्म हो जाए। सो हुण जिवें असीं इन्हां नाल गलबात भी की है तो इन्होंने अपना सारा कुछ दस्या भी है भी की बनाते हैं, दही की भी इन्होंने स्पैशलिटी दसी है, पानी की भी इन्होंने स्पैशलिटी दसी है भी की जड़े ने विच पाते ने, भेलपुरी किदा बनाते हो? आम गलियां भी जड़ी भेलपुरी विकती है तो भेलपुरी किदा वो की इनग्रीडियंट्स होंगे? सर भेलपुरी चटनी पर डिपेंड करती है, भेलपुरी गलियों में भी वही बिकती है और अच्छी जगह भी वही बिकती है, डिपेंड करता है चटनी पर, चटनी जितनी स्पेशल होगी रेट उसका उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होगा। एक और मैं गल सुनी सी, पता नहीं होटल मैनेजमेंट का भी तुहाडे कोल सर्टिफिकेट हैगा कुछ है वो जी गल सुनी? सर पता किसी कस्टमर ने ना मेरा नाम लिखवा दिया था, यहाँ की गवर्नमेंट ने ना टेस्ट लेने थे सारी रेड़ियों वालों के, तो उसमें किसी कस्टमर ने मेरा नाम लिखवा दिया, मैं वहाँ गया, मैं 2-3 घंटे खाली रहता हूँ, 10 से 1 या 1.5 बजे तक खाली रहता हूँ, तो वही टाइमिंग था वहाँ का, तो मैं उस टाइमिंग गया, मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, फिर आगे आगे प्रोसेसर बढ़ता गया, उन्होंने हफ्ता ट्रेनिंग दी, हफ्ते बाद ग्रुप बनाया, हफ्ते बाद फिर 15 दिन की ट्रेनिंग थी, 15 दिन के बाद मुझे भटिंडे ले गए, भटिंडे में हमारा 5 लोगों का ग्रुप था, वहाँ पर कुक वगैरह ने हमारा जो चीज़ हम बेच रहे हैं वही चीज़ खा के देखा उन्होंने, तो उन्होंने जो हमें होटल मैनेजमेंट 2 ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया वो भी है हमारे पास, मगर अभी बाकायदा लगाया नहीं हुआ यहाँ पर, घर पर रखा हुआ। धन्यवाद जी तुहाडा। सो इन्हां को होटल मैनेजमेंट का 2 ग्रेड का भी कह रहे हैं भी सर्टिफिकेट भी हैगा, तो काफ़ी चीज़ा जो असी भी खादियाँ तो सानू भी बहुत जड़िया ने स्वाद लगियाँ, सो वधेरे होर भी यहोजे फूड आउटलैट्स के डिशिज़ लिए जुड़े रहो फूड टाइम्स के नाल कुवरजोत सिंह।